कोतवाल ने किया अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च। नमस्कार, रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कड़ाधाम कौशाम्बी विधानसभा 2022 चुनाव की रणभेरी बस चुकी है। घोषणा होते ही निर्वाचन क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की निगाह बानी में क्षेत्र की बराबर जांच पड़ताल की जा रही है। सिराथु विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील ग्राम सभाओं में कड़ाधाम कोतवाल चंद्रभूषण मौर्य, चौकी इंचार्ज मनीष कुमार गौतम एवं उनकी कोतवाली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी पैदल मार्च कर शांतिपूर्ण और सकुशल चुनाव संपन्न कराने हेतु भ्रमण किया है। इस दौरान कड़ाधाम कोतवाल ने आम जनमानस से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की है। इसके साथ ही आगामी चुनाव में निडर होकर बढ़ चढ़ कर मतदान करने की बात कही गई। अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के दरमियान यदि किसी प्रकार की असंवैधानिक या कार्य करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अलीपुर, जीता, दौलतपुर, कसार, अलावरपुर, टिकरी इत्यादि कई ग्राम पंचायत का अर्धसैनिक बलों के द्वारा भ्रमण किया गया। यूएफटी लाइव के लिए ब्यूरो चीफ आरपी यादव की रिपोर्ट।